हमारे ऋषि परंपरा में दूरदर्शन और दूरदृष्टि एक साधारण बात है, हम लोग अपने काम के लिए रखते हैं। अब हम अपने दूरदृष्टि से देख रहे हैं कि तुम कहाँ हो, कहाँ पहुँच रहे हो, तुम्हें कोई दिक्कत कठिनाई तो नहीं हो रही है, और साथ ही साथ तुम्हारे साथ चलने वाले ब्रह्मचारी सन्यासी दूर श्रवण से बात भी कर रहे हैं, हाँ हम यहाँ पहुँच गए। तुम्हारे साथ जितने ब्रह्मचारी आए हैं भारद्वाज ऋषि के ये सब दूरदृष्टि दूरदर्शन जानते हैं बच्चा, और हमारे यहाँ के ऋषि भी जितने हैं तुमको लेकर जाएंगे, सभी यहाँ कला दे दी गई है, लेकिन गुप्ते जोग प्रकटे भाण, लेकिन हम लोग इसे गुप्त रखा है, आज तुम कह दिया तो मैं प्रकट कर दिया, हमारे यहाँ गुप्त है विधि, बताना नहीं है, लेकिन तथाकथित राक्षस लोगों को भी अब प्राप्त हो गया है, वे अपने को सिद्ध मानते हैं, कुछ लोग अपने को यह चमत्कार दिखाकर अवतारी मानते हैं, यह बड़ा खतरनाक है बेटा, यह तो साधना के मार्ग में इस तरह का चमत्कार दिखाना बाधक है और रोधक है, इसलिए तुम कभी इस चमत्कार के चक्कर में मत पड़ना। चमत्कार तो रावण राक्षस दिखाता है, बार बार रूप बदलेगा, लेकिन राम तुम्हारा रूप तो कांस्टेंट है, स्थिर है, तुम्हारा तो रूप एक ही होगा, पारब्रह्म का रूप तो एक ही होता है, जो बार बार रूप बदलने में सक्षम होता है वह राक्षस है, जिसका रूप अरूप हो बदले ही नहीं वही पारब्रह्म है, इसलिए तुम लोग इस बात को समझ लो। अब वाल्मीकि के आश्रम में से भी सुबह जब बात होने लगे, सब बात यह हुआ और पुनः दिशा निर्देशन चाहें, ऋषिवर अब आप सुझाव दीजिए हम लोग कहाँ रुके कुछ काल। वाल्मीकि जी कहते हैं, वह भी बताते हैं कि चित्रकूट गिरि करहु निवासो ता तुम्हार सब भांति सुवासो, कहते हैं चित्रकूट में निवास करो जहाँ तुम्हारे लिए सब भांति जो है अच्छा है। और चित्रकूट के एक पर्वत पर जो बीच में है, युद्ध के लिहाज से भी ठीक है, ऊंचा है, उसके नीचे मंदाकिनी बहती है, इसलिए उस लिहाज से भी बहुत अच्छा है, तुम राम चित्रकूट में निवास करो। इस तरह से तुम कहाँ नहीं हो, कहाँ तुम नहीं बस सकते हो, यह तुम्हारा पूछना जब जागतिक है तो मैं जागतिक व्यवहार से ही बता रहा हूँ, तुम वहाँ बसो और चलो, मैं तुम्हें दिखाते हुए रास्ते ले भी चलूँगा। और प्रातःकाल जो है अब वाल्मीकि ऋषि के सन्यासी ब्रह्मचारी उनके साथ चल देते हैं, वाल्मीकि स्वयं चल देते हैं और भारद्वाज ऋषि के सन्यासी ब्रह्मचारी लौटा दिए जाते हैं। जब चित्रकूट पहुंच गए तब एक ऊंचा टीला देखकर, उस पर्वत को देखकर उसी पर उन्होंने निवास के लिए कहा का स्थान चुना। लक्ष्मण कहने लगा कि भैया आप और भाभी विश्राम करें, आज हम लोग कम से कम 3 कुटी बना ही लेंगे। वाल्मीकि कहे अपने शिष्यों से, तुम यहां से दौड़ो और आसपास के तुम कुछ ब्रह्मचारी सन्यासी आसपास के लोगों से बता दो भगवान राम का आगमन हो गया है। कुछ सन्यासी दौड़ो यहाँ के आसपास के ऋषियों से बता दो आराम आ चुके हैं, यह सूचना दो। और साथ ही कुछ सन्यासियों को लगा दिए लक्ष्मण के साथ कि इन्हें रात्रि भर में कम से कम 3 पर्ण कुटीर बना दो, एक पर्ण कुटीर में राम सीता, दूसरे में इनका अस्त्र शस्त्र रहेगा, तीसरे में लक्ष्मण और आए हुए अभी अतिथि, सुबह होते ही और प्रणकुटी बनाना पड़ेगा जिसमें एक भोजन और दूसरा विशाल एक कक्ष सभा कक्ष बनाना होगा, चौथा अतिथि गृह, और यह सुबह बनेगा, आज कम से कम 3 प्रणकुटी बनाओ और कुछ कुछ तुम लोग जाकर के आसपास ऋषियों से खबर करो। देखते ही देखते आसपास के लोग दौड़ने लगे, करहिं जोहार भेंट धरी आगे प्रभु ही बिलो कहीं अति अनुरागे। और जब वहाँ के आदिवासी लोग गरीब लोग दौड़ दौड़ आते हैं, भेंट रखते हैं, जोहार समझता है, दोनों हाथ को पीछे कर करके बिल्कुल जो औरतें सिर जो है
आगे दंडवत करती है, उसको जुहार कहा गया है। दोनों हाथ पीछे करके माने सर्व समर्पण कर रहे हैं। और कुछ कंदमूल फल आगे भी रख रहे हैं। इस तरह से ऋषियों का भी वहां आगमन होने लगा, अवश्य जो है प्रण कुटी का भी निर्माण होने लगा। इस तरह से प्रभु राम कुछ काल तक, कुछ काल नहीं, अपने जब जितना दिन रहे हैं 14 वर्ष के वनवास में, लगभग समझो कि 12 वर्ष से ज्यादा चित्रकूट में ही रहे हैं। यह राम का अभ्युदय है। अब हमारे मेरे राम में भरत का अभ्युदय यहां से शुरू होगा। सुमंत जी जब खबर दिए राम वापस नहीं आए, तब दशरथ जी कौशल्या के भवन में चले गए, अत्यंत विलाप करते हुए कहे, हे देवी, अब मैं बचने वाला नहीं हूं। अपने जुआ काल का मैं एक पाप किया हूं, मुझे स्मरण आ गया है और उस पाप का फल मुझे भोगना पड़ेगा। अवश्य में भुक्तव्यम कृतक्रम शुभाशुभम, कृष्ण कहे हैं अवश्य ही हमें भोगना है अपना किया हुआ कर्म, शुभ हो या अशुभ हो। अब यह अपने अंतिम समय में यह दशरथ जी भी कहते हैं, कौशल्या कहती हैं, आप और पाप, आप तो धर्मधुरी हैं। कहा कि नहीं, मुझे प्रजा ने खबर किया था, कुछ हिंसक पशु कुछ गृहस्थों को तबाह कर रहे हैं, तंग कर रहे हैं। मैं रात्रि में भेष बदल करके वहाँ चला गया और तब तक से मैं देखा कि नदी में आवाज आई, मैं समझा कि ये हिंसक पशु हैं और ये कहीं न कहीं हमारे राज्य में उपद्रव करेंगे, इसलिए मैं छिपकर शब्द वेधी बाण का प्रयोग किया और शब्द जहाँ से आया था अंधेरे में वहाँ पर जाकर प्रहार कर दिया। लेकिन दुखद घटना है, वहाँ पशु नहीं कोई आदमी मारा गया था और उसकी करुण वेदना देखकर जब मैं गया, अपने हाथों से बाण निकाला तो वह व्यक्ति कहा, मुझे क्यों मार रहे हो राजन, मैं तो श्रवण कुमार हूं, मैं अपने माँ बाप को तीर्थ यात्रा पर लेकर निकला था, मैं पानी पिलाने के लिए कमंडल भरने आया था, अब तो मेरे माँ बाप मेरे अनुपस्थिति मर जाएंगे, मेरा पिता वैश्य है, माँ मेरी शूद्र है, उसे मैं उत्पन्न हुआ पुत्र हूं, तीर्थ यात्रा के लिए निकला हूं राजस्थान से, और तुम्हारे यहां अयोध्या नगरी में पहुंचते ही तूने मार डाला, लो मेरे पिता को पानी तो पिला दो। मैं, हे देवी, मेरे हाथ अब कांपने लगे, मेरे हाथ कभी देवासु संग्राम में नहीं कांपा, मेरा हाथ जो है शेर के पास नहीं कांपता था, लेकिन एक निरीह धार्मिक व्यक्ति, तीर्थ यात्रा में जाते हुए व्यक्ति, धर्मपरायण व्यक्ति को मारने से कांपने लगा। अब मैं पानी जब लेकर चला तो सोचा कि मैं आवाज न करूं, आवाज से पहचान जाएंगे, मैं पानी पिलाने के प्रयास किया श्रवण कुमार के बाप को, जब मुंह तक ले गया कि कहा कि तुम कौन हो, पानी तुम्हारे देने का ढंग मालूम होता है, तुम श्रवण नहीं हो कौन, मैं करके और सोचा कि नहीं पी ले पानी, लेकिन वह एकदम कड़क कर बोला, तुम परिचय दो पहले, मैं पानी नहीं पीता, तुम मेरे पुत्र नहीं हो। तब मैंने साफ साफ बात कह दिया, देवी मैं अयोध्या का नरेश दशरथ हूं और तुम्हारे पुत्र जो है इस तरह से मेरे हाथों से मारा गया। ये पति और पत्नी दोनों पानी फेंक दिए, तड़पते हुए अपने पुत्र के मोह में तड़पते हुए कहे, जाओ, हम तीर्थ यात्रा के लिए निकले था, हमारा पुत्र जो है इस बहंगी पर लेकर के तीर्थ यात्रा करने निकला था, अब हम वियोग में अपने पुत्र के प्राण त्यागा, हम लोग भी त्याग रहे हैं, लेकिन तुम्हारे सामने मैं अंतिम श्राप दे रहे हैं, तुम भी अंतिम समय अपने पुत्र के लिए तड़प तड़प कर मरेगा। देखो अब तू कहेगा किसका श्राप लगता है, तुम लोग तो कहेगा कि वो ऋषि का लगेगा, कि वो ब्राह्मण का लगेगा, यह पिता वैश्य है, मां शूद्र है, लग गया ना श्राप। और दशरथ जी कह रहे हैं कि यह श्राप
मैं स्वीकार कर लिया। देवी अब अंतिम समय आ गया है, मालूम हो रहा है कि उस श्राप हमको घेरे जा रहा है, मैं पुत्र वियोग में तड़प तड़प कर मरूंगा। यह हमारे सामने वह जो है श्रवण कुमार का दृश्य नजर आ रहा है, उसके माँ बाप नजर आ रहे हैं। अब मैं क्या करूं, यह जो है विधि का विधान नहीं टाल सका। अवर राम राम हा राम कहते हुए 6 बार राम राम कहे हैं, पुत्र वियोग में राम राम हा राम कहते हुए शरीर परित्याग कर दिए दशरथ जी। जब दशरथ जी शरीर परित्याग कर दिए, बड़ा कोलाहल मचा, गारी सकल कैकन की दिन्हे नयन विहीन किन जगत जेही। सब जो है इनकी जो रानियां थी, नौकर चाकर जो थे, जो भी दास थे, सब जो है विलाप करने लगे। यह बात तो अयोध्या में जंगल में आग की तरफ फैल गई, सब जगह जगह विलाप करने लगे, सबके कई को दोष देने लगा। यह जो है यह स्वयं तो बर्बाद हुई, इस राज्य को बर्बाद कर दी। और वशिष्ठ जी भी आधम के, वशिष्ठ जी, वामदेव जी और साबरिषि लो आधम के। अब समंत्रणा होने लगा कि इस देश पर आपातकाल आ गया, राजा दशरथ की मृत्यु, राजकुमार जंगल, भरत ननिहाल, देश में आपातकाल आ गई, आपातकाल घोषणा कर दी गई ऋषियों। और वशिष्ठ जी द्रुतगामी रथ से भरत को लाने के लिए संदेश भेजा, जाकर भरत को कहो कि हमारे देश पर कुछ आपातकाल आ गई है, आप शीघ्र वापस आओ। वाल्मीकि रामायण का कहना है कि उनका ननिहाल बिहार का राजगृह क्षेत्र रहा है, केकई राजगृह की रही है, राजगृह की केकई भी रही है, राजगृह के नजदीक का सहस्त्रवाह भी रहा है, सहस्त्र अर्जुन भी कहते हो। और राजगृह क्या ही, कृष्ण को ललकारने वाला जरासंध भी राजगृह का था। खैर, बिहार का राजगृह का कहीं ना कहीं, और बुद्ध और महावीर का भी राजगृह में बहुत काल परिक्रमण काल रहा है, बुद्ध और महावीर का। खैर, वाल्मीकि रामायण का कहना है कि कई राजगृह की थी, और अयोध्या से द्रुतगामी रथ चले, 7 दिन लगा। राम के वनवास के 6 दिन के बाद यह मृत्यु हुआ है दशरथ जी का। और जब वह चले हैं, लोग कहने के 7 दिन लगा है जाने में, उधर भरत जी का भी बायां हाथ फड़क रहा है। भरत जी भी भगवान विप्रों को बहुत सा दे रहे हैं, दान दे रहे हैं, साथ ही वह भी शंकर जी के मंदिर में रुद्राभिषेक करा रहे हैं कि हमारे परिवार से आपातकाल हट जाए। लेकिन हो नहीं हो, ऐसे हो, उन्हाड़ी बड़ा प्रबल है। तब तक से दूत पहुंचते हैं 7 दिन, और दूत को देखकर भरत जी चिंतित हो जाते हैं, क्या बात हो गई। कहा कि आपके राज्य में आपकी शीघ्र बुलाहट है। देखो, यहां भगवान राम भी शंकर की आराधना किए, और यहां रुद्राभिषेक भरत जी भी कर रहे हैं, लेकिन दोनों टला नहीं। सुने हैं हम, होनहारी बड़ा प्रबल है, लेकिन जो इस होनहारी को समझ लेता है वह निश्चिंत हो जाता है, जो होनहारी को नहीं समझता है वह तो बेमौत मारा जाता है। कबीर साहब कहे हैं, होनी हो सो हो, मैं वाही का होनी हो सो हो। सुने हैं, एक आदमी शादी कराकर अपने बहू के साथ गंगा पार कर रहा था, तुम लोग भी सुना है कि नहीं, गंगा पार कर रहा था, इस बीच में आंधी और तूफान आया, नाव डगमगाने लगी। देखो, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न को, सब लोग चिल्लाने लगे गंगा मैया बचा दो, हम सत्यनारायण भगवान कथा कहेंगे, गंगा मैया हम साड़ी चप चढ़ाएंगे, तुम लोग भी कहता है ना, यह करेंगे वह करेंगे, सब कहने लगा। वह युवक आंखें बंद करके ध्यानस्थ हो गया था। उसकी पत्नी घूंघट उठाकर देखी कि जिससे हमको शादी हुआ कहीं पागल तो नहीं है,
अक्सर ध्यानस्थ व्यक्ति को अक्सर उसकी पत्नी पागल ही कहती है, इसीलिए ध्यानियों के लिए शादी नहीं जमती है। समझा आनंद? ध्यानी व्यक्तियों के लिए उसकी पत्नी पागल कहती है, सास ससुर भी पागल कहता है। अब तुम्हारा किस में कैटेगरी में नाम है मैं नहीं जानता। वह भी लड़की भी कहने लगी, मेरी शादी पिताजी पागल से कर दिए हैं क्या? वह धीरे से कहती है, आंख खोलता क्या है, देख नहीं रो, आंधी तूफान आया, नाव डूबने वाली है, तुमको चिंता नहीं है? वह कहा, मैं वाही कहूं नहीं हो सो हो, मैं उसका हूं, जो होगा सो होगा, उसको चिंता नहीं तो मुझे चिंता क्यों? चिंता तो उसको करना है ना, जब मैं उसे तादम्य स्थापित कर लिया हूं तो वह मेरे बारे में सोचेगा, मैं क्यों सोचूं? वह औरत सोच ली कि तो बिल्कुल पागल है, अब कौन किसके लिए चिंता करता है। शादी में तलवार लटकाया जाता है लड़कों को ना, वह लड़का तलवार निकाला और उस लड़की के कंधे पर लगा दिया, मार डालो। लड़की हंस दी, कहा हंस क्यों रही है, मैं जानती हूं आप मार नहीं सकते हैं हमें। तलवार अपने म्यान में डाल दिया, उत्तर मिल गया? कहा कि नहीं, उत्तर कहाँ मिला, तुम जब जानती हो हम तुच्छ पर आज शादी हुए और आज ही जान गई कि मैं तुझे नहीं मार सकता हूँ, उस परमात्मा से मैं बहुत दिन से शादी कर लिया हूँ, उस पर मेरी बहुत दिन से श्रद्धा है, तब वह मुझे कैसे मारेगा? मैं वाही का, कबीर साहब कहे मैं वाही का, होनी हो सो हो, जो होनी होगा सो होगा, मुझे तो उस पर आस्था है ना। अब लड़की उसके साथ थोड़ा चिंतित हुई, लेकिन सोची कि जरूर पागल है थोड़ा बहुत। अब भरत जी को 7 दिन जाने में 7 दिन में आने में लगा। जब वो अपने नगर में प्रवेश कर रहे हैं तो देख रहे हैं आसपास के लोग इनको देखते हैं और मुंह फेर लेते हैं। नगर में इनकी स्वागत होनी चाहिए थी, प्रसन्नता व्यक्त चाहिए थे, अधिकारी गण भी काला अपना फीता बांध करके काम कर रहा है। बड़ा विचित्र हुआ, किसी से पूछने का साहस नहीं कर पाए।